बाहर बाहर से भी लोग आते हैं स्टंट ऑल राइडिंग ओवर सीखने इंडिया के से लिए, लोग आ रहे हैं मेरे सीखने सीखना के लिए, है एक दिन में अच्छी सिखा बाइक। देंगे। मेरा अंदर वर्कशॉप है, आपको कस्टमाइजेशन करना है तो आप कस्टमाइजेशन यहाँ पे, अगर आप लोग आ रहे हो सबसे पहली चीज़ बाइक वगैरह सब मैं ही प्रोवाइड करता कि हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे आएगा उसकी फीस क्या रहेगी एंड स्टार्टिंग में आपको मैं एक वीक में आपको व्हीली उठाना सिखा के, मतलब एक 100 फीट, एक 50 फीट आप नॉर्मली आप व्हीली पे जा सकते हो। हैंड ब्रेक, ये पूरे दो कैलिपर मेरे हैंड ब्रेक पे लगे हुए हैं, बढ़ जाता है काफी आपका। बड़ा चेंज प्रॉफिट है कंपेयर टू नॉर्मल बाइक्स। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मैंग डांगी और आज मैं हूँ सेहरा स्टंट इंस्टीट्यूट में, पुणे में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्टंट स्कूल है मैं बोलूँगा। एंड यहाँ पे बहुत बाहर बाहर से लोग आते हैं स्टंट सीखने। एंड जो इसके ओनर है कुलदीप सिंह, वो मेरे बहुत ही अच्छे और बहुत ही पुराने दोस्त है और बहुत ही एक्सपीरियंस बाइक स्टंटर है। मैं एज अ खुद बाइक राइडर मैंने खुद उनसे बहुत कुछ सीखा है। एंड आप देख सकते हैं पूरा इनका स्टंट स्कूल है जो कि काफ़ी अच्छे एरिया में है। तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ यहाँ के ओनर कुलदीप सिंह के पास। वेलकम टू माय चैनल। हाय, और सर, आप इनसे अगर स्टंट सीखोगे तो आप वन ऑफ द बेस्ट बाइक राइडर माने जाओगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन इंडिया स्टंट राइडिंग के लिए, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है एंड काफ़ी सारी मूवीज, सीरियल्स एंड एड्स वगैरह इन्होंने, जैसे नोन ब्रांड है उनके लिए एक्ट किए और स्टंट्स वगैरह कर रखे, और इनको काफ़ी सारे ब्रांड भी स्पॉन्सर्स वगैरह करते हैं। आप कुछ बताइए अपने स्टंट स्कूल के बारे में सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सेहरा स्टंट इंस्टीट्यूट। सो दिस स्कूल इज़ अबाउट हु वॉन्ट्स टू लर्न व्हीली और बेसिक बाइक ट्रेनिंग आप लोगों को चाहिए तो आप लोग यहाँ पे कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप लोगों को बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक वट एवर द बाइक इवेंट्स होते हैं यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में। तो ये जो आपको बेसिक बाइक ट्रेनिंग मैं जो देता हूँ इसमें, उसमें आप लोगों को बहुत से हेल्प होते हैं, जैसे कि स्लो बाइक चलाना। आप लोग हर एक इवेंट पे जाते हो तो वहाँ पे आप लोगों को टास्क दिए जाते हैं, तो यू कैन कॉम्पिटेट ओवर देयर। सो वहाँ पे आप लोगों को आपका एक नाम, खुद का एक नाम बन जाता है। फिर उसके बाद में आप लोगों को हर चीज़, मतलब स्लोली स्लोली आपको खुद को एक इंटरेस्ट बढ़ जाता है इस चीज़ में। आप व्हीली सीखने लग जाते हो, फिर व्हीली के बाद में एक स्टॉपी सीखने लग जाते हो, स्टॉपी के बाद एंड में। जो ये स्टंट राइडिंग का और स्टंट्स का जो यहाँ पे स्कोप है इंडिया में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कल्चर अभी इंडिया में और प्रोग्रेस कर रहा है, पहले धीरे धीरे कुछ करके नहीं था। प्रोग्रेस हो रहा है आज से जब से हमने स्टार्ट किया, हम लोगों को लास्ट लाइक 20-21 ईयर्स हो गए हम लोगों को स्टार्ट करते हुए, बट तभी इतना स्कोप नहीं था, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। बट अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टार्ट, अभी ये जो प्लेटफॉर्म पे हम लोग आए हैं तो ऑल द ब्रांड्स हुआ प्रमोटिंग, बहुत से ब्रांड्स है जो स्टंट राइडिंग को प्रमोट करता है, जैसे TVS हो गया, KTM हो गया, ये आप लोगों को बहुत प्रमोट करते हैं। और सीखने के बाद में अगर इफ़ यू आर डूइंग वेल यू विल गेट शोज ऑल्सो। एंड ये कितने टाइम से स्कूल, आपने कितना टाइम हो गया आपको इस इंस्टीट्यूट खोले हुए? ये इंस्टीट्यूट खोल के मुझे हुआ है नवंबर में, लास्ट नवंबर में खोला है स्कूल में। एंड अभी तक कितने स्टूडेंट्स को आपने ट्रेन किया स्टंट राइडिंग के लिए? मोर देन 50 स्टूडेंट्स। और स्टंट राइडिंग ही करते हो या फिर बाइक चलाने भी किसी को सीखना है और एक्सेट्रा? नहीं, हर वट एवर एवरीथिंग रिलेटेड बाइक, अगर आपको यहाँ पे आना है, आपको बाइक सीखनी है, बाइक्स सीख सकते हो। आपको यहाँ पे आपका मर्चेंडाइज वगैरह चाहिए तो मर्चेंडाइज भी मिल जाएगा आपको। एज यू कैन सी वहाँ पे वो जो कंटेनर है वो हमारा ऑफिस है, वहाँ पे आपको ओके जो ग्रीन वाला है वहाँ पे जैकेट्स, टी शर्ट्स, एवरीथिंग रिलेटेड बाइक आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो ग्रीन मैट है, ये मेरा अंदर वर्कशॉप है, आपको कस्टमाइजेशन करना है तो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, आप हर चीज़ मिल जाएगी आपको। एंड आप खुद अपना बता दिया, आपको कितने साल का बाइक स्टंट का एक्सपीरियंस है? मुझे तो पर्सनली पता है, हमारे व्यूअर्स के लिए बता दिया कितना है। 20-21 ईयर्स हो गए हैं मेरे को ये लाइन में, ये फील्ड में मेरे को 21 ईयर्स। और जैसे क्या स्कोप रहेगा अभी आगे जाके, जो भी यहाँ से सीख के जाएगा? सीखने के बाद में आपको आपका राइडिंग स्टाइल तो आपका सबसे डेफिनेटली वो सबसे पहली चीज़ आपका चेंज हो जाएगा। आपको एक तो चीज़ जो लोग रोड पे कर रहे हैं आपको वो सब मैं अवॉइड ही करता हूँ सिखाना, इसलिए स्टंट स्कूल प्रॉपर सेफ्टी के यस। साथ अगर आपको करना है कभी भी आप यहाँ पे आ सकते हो, आप मेरे से लाइक जो भी है कांटेक्ट करो, आपको बताऊँगा मैं क्या करना है। बेसिकली आपको पूरा बाइकिंग रिलेटेड हर चीज़ मैं बताऊँगा, राइडिंग गियर्स कैसा है, हेलमेट कौन सा है, क्या है,
आपको हर चीज़ मैं बताऊंगा। और जैसे ये इंस्टीट्यूट तो हमारा पुणे में है, और आपके पास मैंने सुना बाहर बाहर से भी लोग आते हैं स्टंट राइडिंग ऑल ओवर सीखने इंडिया के से लिए, लोग आ रहे हैं मेरे पास। तो जैसे ही वो आते हैं तो उनसे कैसे आपसे कांटेक्ट है और क्या अरेंजमेंट यहाँ पे ये होती है? एवरीथिंग मेरा जो भी आप अगर मेरे को लोग जान रहे हैं सब सोशल मीडिया से जान रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। और जो बाहर से आता है जिनके पास में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे मैंने बंक बेड्स बनवाए हैं अंदर, जो स्टूडेंट्स आके यहाँ पे रह सकते हैं। जिसमें पैशन है वही एकदम से ये स्टंट राइडिंग वगैरह कर सकता है, राइट? पैशन ये एक एक टाइप का ड्रग ही हो गया। इसके अंदर आप अगर एक चीज़ सीखते हो तो दूसरी सीखने की अपने आप अंदर से उम्मीदें जागती है। कितना टाइम लगता है अगर कोई यहाँ पे आता है, किसी को स्टंट करना है, व्हीली व्हीली सीखना है और यार स्टंट्स वगैरह सीखने के सीखना लिए है, एक दिन में अच्छी सिखा बाइक? देंगे, एक दिन में सिखा देंगे, बट सामने वाला कितना डेडिकेटेड है, उसके पेशेंस लेवल क्या है, वो चेक करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कब कब अवेलेबल रहते हो यहाँ पे जैसे ही कोई मैं आता है? मंडे टू सैटरडे सुबह 7 to रात को 10 बजे तक मैं यहीं पे रहता हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे अकेले टीचर हो या और कोई भी है नो, आई एम द सिखाने ओनली के लिए? वन, तो मैं ये अकेले ही। बहुत ही अच्छी बात है, थैंक यू सो मच कि आप इतना डेडिकेशन से सिखाते भी हो यस एंड हमेशा अवेलेबल रहना स्टूडेंट के लिए, लाइक इट्स वेरी टफ। और अगर आप यहाँ पे आओगे आपको ऐसा नहीं लगेगा आप इनको जानते ही नहीं, एकदम आपके साथ फ्रेंडली रहेंगे। एंड मैं आपको बता देता हूँ, और ये बाइक्स में क्या क्या गियर्स लगता है अगर कोई बाइक लेता है स्टंट राइडिंग के लिए, और सबसे पहली चीज़, क्या मैं कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन अगर करना पड़ता है? यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हो, सबसे पहली चीज़ बाइक वगैरह सब मैं ही प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अपनी बाइक लाने की ज़रूरत नहीं है? कुछ नहीं, आप सिर्फ यहाँ पे आ जाओ, बाइक बाइक मेरी है, हेलमेट आपको आपका कैरी करना है, शूज़ आपके आपको कैरी करना है, और जैकेट जैकेट अगर आपके पास नहीं है तो वो भी प्रोवाइड हो जाएगा यहाँ जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे आएगा उसकी फीस क्या रहेगी एंड क्या चार्जेस रहेंगे उसके? पे। सो 1 वीक का मैं फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखने जाओगे तो मेरा 4,500 रुपीज़ है। ओके, अगर आपको यहाँ पे स्टे चाहिए तो वो 6,500 रुपीज़ है। और उसमें उसमें क्या क्या एक प्रोवाइड करेंगे? इसमें आपको मैं रूम में हर चीज़ लाइक आपको बेड दे रहा हूँ, सिक्स आपको थाउजेंड रुपीज़ 6,500 रुपीज़ में जो यहाँ पे स्टे करना चाहता है वो ओके 6,000 रुपीज़ में आपको एक बेड मिलेगा, बेड में आपको वॉशरूम वगैरह सब कुछ अंदर है। तो एक स्टेप आप बाहर निकलो आपको ट्रैक है, यहाँ पे बाहर जाके आप अगर लॉज वगैरह ले रहे हो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। एंड 2,000 रुपीज़ फॉर अ वीक, इट इज़ आई थिंक इट इज़ वेरी लेस। आई और थिंक फोर यार। थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ मेरे ट्रेनिंग चार्जेज है, जिसमें बाइक मेरा है, फ्यूल मेरा है, हर चीज़ मेरी है। एंड डेली ट्रेनिंग होगी डेली कितने टू आज आवर्स के लिए? ट्रेनिंग, डेली 2 आवर्स ट्रेनिंग। सुबह में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। और आप कौन सी बाइक में ट्रेन करोगे जैसे कोई स्टूडेंट आता मैं तो? डिफरेंट डिफरेंट बाइक्स पे ट्रेन करता हूँ, मैं हर एक कैटेगरी की बाइक उनको देता हूँ। लाइक 150 cc भी देता हूँ, 200 भी देता हूँ, 250 भी देता हूँ, 300 भी देता हूँ। और पर्सनली आपकी कौन सी फेवरेट बाइक है स्टंट के लिए? ऐसे तो मैं सुपर बाइक का बहुत शौकीन हूँ, सुपर बाइक के बहुत यस सर। शौकीन है, बट वैसे अभी कोई भी इंडियन में, बाइक दो उसके इंडियन साथ में खेल सकते हो ना? यार कुछ भी दे दो यार, उस पे कर लेंगे अपन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एवरी मशीन इज द सेम फॉर मी। ये जो पुल अप बार जो लगा रखे है ये किस लिए लगा रखे है भाई? तो यहाँ पे आपको बेसिकली आपको जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो आपको 45 मिनट्स का फिजिकल ट्रेनिंग भी दिया जाता है यहाँ पे, जो आपको बॉडी आपका जो लॉक हो गया हुआ था। ओके, बहुत बाइक से ट्रेन। लोग आते हैं यहाँ पे जो ऑफिस में काम कर चुके हैं, मतलब दिन भर उनके बैठ कर, तो बॉडी स्टिफ करते, उनका बॉडी स्टिफ हो जाता है, तो उसके लिए ओके, मैं 45 मिनट्स, एक फिजिकल ट्रेनर है हमारे पास में जिनका नाम कुणाल फ्लेक्सिबिलिटी सर, क्योंकि चाहिए बाइक यस, स्टंटिंग के तो लिए। उनका नाम है कुणाल सर जो ट्रेन करते हैं यहाँ पे, तो 45 मिनट्स आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रोप है, रोप के बाद में ये रिक्स है, ये रिक्स पे आपको पूरा चढ़ना है, तो यहाँ पे आपको पूरा आपका प्रॉपर वर्कआउट होता है। अच्छा, जो नए नए अगर राइडर आ रहे हैं उनको व्हीली सीखनी है तो उसके लिए ये है? हाँ, 1 वीक में आपको लाइक स्टार्टिंग में आपको मैं 1 वीक में आपको व्हीली उठाना सिखा के, मतलब एक 100 फीट, लाइक 50 फीट आप नॉर्मली आप व्हीली पे जा सकते हो। मतलब इसमें बाइक पलटेगी नहीं आपकी अगर व्हीली नहीं, पॉप कर रहा, जो भी व्हीली बिगनर व्हीली पॉप अभी कर रहा? पलटेगी ही नहीं इसमें से। अभी मैं आपको यहाँ पे एक डेमो दे दूंगा मैं इसके ऊपर। ओके, तो भाई लोग आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास आइए यहाँ पे आके सीखे, फुल सेफ्टी के साथ आपको सिखाया जाएगा। और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है जो आपने लगा रखा ये है। आप लोगों को एक एक्सपीरियंस देने के लिए यहाँ पे आप बैठ सकते हो वैसे, ये आपको व्हीली का प्रॉपर पोस्चर जो होता है यहाँ पे, आपको ये चीज़ हम दिखाए दिखाने के लिए इसको बिठाया, मतलब फ्री स्टाइलिंग वगैरह भी करनी है आपको, टाइम पे जाना है तो आप ऐसे टाइम पे जंप कर सकते हो, आपको ऊपर चढ़ना है आप ऊपर जा सकते हो, आपको बेसिक आपको पता चलता है कि आपको क्या हाइट पे आपको व्हीली लेके जानी। भाई ये बताइए, आपके दिमाग में स्टंट स्कूल खोलने का आइडिया कैसा है? सो मैं लाइक 20 साल से जो मैं ये देख रहा हूँ,
लोग हम मैं खुद पर्सनली रोड पे मैं रोड पे सीखा हूँ, क्योंकि वो टाइम पे इतना कुछ था नहीं, ट्रैफिक वगैरह था नहीं, और इट्स नॉट सेफ कि ऐसे रोडों में करें। रोड के ऊपर सेफ्टी नहीं होती यार, हम लोगों को पता है हम लोगों ने क्या स्ट्रगल किया, हम लोगों के पास में जगह नहीं होती थी, और वो चीज़ें सब ध्यान में रख के मैंने लोगों को, जिनको सीखने की बहुत इच्छा है जो कर नहीं पाते हैं, मैं उन लोगों के लिए एक कंसेप्ट लेके आया हूँ कि हाँ यहाँ पे मैं ऐसी चीज़ें कर सकता और हूँ, अगर मतलब रोड लोगों में को गए तो सिखा सकता एक्सीडेंट का डर है एज अ बिगनर अगर कोई भी कर रहे वो हैं तो ना। ऑब्वियसली है। अब के आज के डेट में इतना ट्रैफिक हो चुका है, आप रोड के ऊपर आप खुद की भी जान खतरे में डाल रहे हो, दूसरे की भी जान खतरे में डाल रहे तो हो। भाई आप ये बताइए, जो स्टंट राइडिंग वाली बाइक रहती है उसको अलग से मॉडिफाई करते हैं ताकि और सेफ्टी से हम स्टंट कर सकें, तो आप वो बता सकते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन रहते हैं बाइक में? तो आपको बोलने से बेटर मैं आपको दिखाई देता हूँ। और तो ये मेरी बाइक है, यहाँ पे इस पे लगा है क्रैश गार्ड, जो गिरने के बाद में जो डैमेज नहीं करता है, इसको कहते हैं क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड, हाँ, ये है ओके। मेरे फुटपैक्स जिसके ऊपर मैं यहाँ से वहाँ जंप करता हूँ। एंड ये बाइक को काफी सेफ भी रखता है, देखिए कितने बाहर तक निकला हुआ है। अगर आपकी बाइक गिरेगी तो हैंडल वगैरह भी सेफ रहेगा, इतना बाहर तक इसके निकला थ्रू हुआ है। आपका बहुत सा पैसा बचता है। ओके, क्योंकि ये बॉडी वॉडी भी पूरी सेफ हो जाती है इससे, राइट? और ये है मेरे हैंड ब्रेक का सेटअप, ओके, हैंड ब्रेक। ये पूरे दो कैलिपर मेरे हैंड ब्रेक पे लगे हुए हैं, और ये मेरा फुट ब्रेक है। अच्छा, जो ये जो व्हीली जो होती है वो मोस्टली पीछे वाले ब्रेक पे हम हैंडल जो करते हैं। आप नॉर्मल बेसिक व्हीलीज वगैरह करते हो वो आप फुट ब्रेक पे करते हो, ओके और ओके अगर आपको यहाँ पे सीट पे खड़े रह के टांग पे बैठ के, अगर वो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा अभी, यहाँ पे बैठ के फिर सीट पे खड़े रह के यहाँ पे जंप करके वहाँ जंप करके आपको अगर करना है तो अच्छा, जो ये आपके लिए आप वो ब्लू हैंड कलर ब्रेक का है, देख रहे हैं वो ये हैंड ये ब्रेक है हैंड और ब्रेक ये है, ये क्लच क्लच है, है। तो काफ़ी इजीली आप एक्सेस कर सकते हो क्लच यस। एंड ब्रेक में। और ये जो चीज़ है ये है चेंज पॉकेट, इससे आपका जो इनिशियल है इनिशियल बहुत बढ़ जाता है काफ़ी आपका। बड़ा चेन स्प्रॉकेट है कंपेयर टू नॉर्मल बाइक्स। ये 58T है, चेन स्प्रॉकेट बड़ा लगाने से क्या होता है? आपका बाइक पूरा स्लो हो जाता है और आपका इनिशियल बहुत बढ़ जाता है, जो आप स्ट्रगल करते हो बाइक पिकअप करने के लिए, ओके, तो उसके आप अगर स्पॉकेट डाल रहे हो तो आपको इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं मतलब है। एकदम से बुक करके एकदम से उठती होगी। इनिशियल इनिशियल में एकदम आपका गाड़ी रॉकेट हो जाता है। ओके, एंड क्या क्या ये क्या लगा रखा है आपने यहाँ पे टैंक में, ये ये किस लिए है? मैंने ये मेरे बैठने के लिए बनाया हुआ है, जो मैं टैंक के ऊपर जो ट्रिक्स करता हूँ तो वो इसके लिए मैंने ये इसको चेंज कर दिया पूरा। ओके, एंड ये क्या है ये जो आगे लगा रखा है यहाँ पे, ये ये किस स्लाइडर्स चीज़? है जो गिरने स्लाइडर। के बाद में गाड़ी उसके ऊपर रेस्ट होती है। तो अभी हम आगे देखेंगे कुलदीप सिंह जो आपको ट्रेन करेंगे उनके कुछ अमेजिंग बाइक स्टंट्स, तो चलिए चेकआउट करते हैं।
सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कुलदीप सिंह का भी मैं इंस्टाग्राम डाल दूंगा, तो मेक श्योर यू फॉलो हिम, क्योंकि इनका इंस्टाग्राम बहुत ही अमेजिंग है। और जो भी आपको स्टंट स्कूल के बारे में पूछना होगा इनकी, जाके पूछ सकते हो। हाँ, इनको मैं कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल सब डाल दूंगा, आप जाके पूछ सकते हो। तो अभी के लिए चलते हैं, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।